Assalamualaikum फ्रेंड्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज कल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहे हैं। आज का दिन कैसे गुजरता है, क्या क्या होता है, क्या एक्टिविटीज होती है, मुझे खुद नहीं पता। सो आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहे और देखते जाएं कि क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं हम लोग, कैसे दिन गुजरता है। और अभी मैं आप लोगों को मिलाती हूँ छोटी सी। ये भाई लकड़ी तोड़ रहा है, इतनी सर्दी होती है, इतनी लकड़ियाँ हमने ख़त्म कर ली हैं और ये अभी तोड़ रहा है। दुआ करना ये प्लॉट हमारा नहीं है, हमको मिल जाए। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आज भी सूरज नहीं निकला। हम उन मुल्कों में हो गए हैं जहाँ पे सूरज नहीं निकलता। हाँ भाई बता, लकड़ी तोड़ के मज़ा आ रहा है? ठंडी में पसीना आ गया। और ये टूटी नहीं है अभी तक, ये टूट नहीं रही। हाँ ये थोड़ी टूटी तो है। और इन लकड़ियों से छिपकलियां भी निकली थी, गंदी गंदी छिपकलियां। इनसे इतना डर इनसे इतना डर लगता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये प्लॉट हमारा नहीं है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, जल्द से जल्द हमको मिले। अभी तक सूरज नहीं निकला है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। सो बस दुआ करो सूरज निकल जाए, सूरज के बिना कुछ नहीं अच्छा लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। फ्रेंड्स आज स्वीपर भी आया है गलियां साफ करने, और ये हमारा तो हमने खुद ही कर लिया था इतने तक जहाँ तक हमारे घर है, और आगे वाली गली अभी वो साफ करेगा। और अभी हमारे घर के आंगन को वो झाड़ू लगा रहा है, कभी वो लगा लेता है, कभी मैं लगा लेती हूँ। कल को मैंने सारा घर साफ कर लिया था, अभी वो आया है तो उसने बोला कि मैं झाड़ू लगा ले। फ्रेंड्स आज इतनी ठंड है, और अभी हम खाएंगे पापड़ और ये मूंगफली। आज धूप नहीं निकली, अभी निकली हम थोड़ी सी, मतलब मज़ा नहीं है उसमें। फ्रेंड्स तो अभी हम खाएंगे मूंगफली, लेके सिस्टर आई है खाने बैठ में, और मेरा भाई गए हैं, तो बस अभी मूंगफली खाएंगे और एंजॉय करेंगे। सर्दी में ये चीज़ें अच्छी लगती है, बादाम पापड़ मूंगफली सारी चीज़ें। खा लो बेटा खा लो, खाने की बिरयानी है, खानी है, मजे करो। कहाँ से लेके आई हो? अच्छी है ये है, लेके आई है पापड़ मेरी कजन, तो इनकी मैं भी खा के देखती हूँ थोड़ी, इसमें चूरन भी है। फिर ये आ गई है छोटी, और ये अभी रो रही थी, गिर गई थी। हाय कर, हाय हाय हाय, की मरे अभी ओल्लू मामा के थे मरे अभी आप एक पे अभी। हाय कर, हाय 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 हाय। फिर ये देखें, ये जो भाई ने बनाई थी सीढ़ी स्टूल बन के आया अभी है। और ये मैंने अभी बस खाने पकाने वाली जगह साफ कर ली, अभी भी खाना पकाऊंगी, लकड़ियाँ रख ली है। और ये संजली बेलन वो जो भी चक्रा वो वॉश कर लिया है, अभी बस आग जलाऊंगी और रोटी फटक से। फ्रेंड्स तो रोटी का टाइम हो गया है, मैं पका रही हूँ अभी रोटी का, और ये टाइम होता है मेरा रोटी पकाने का। रोटी पका के फिर हम जाते हैं जमीन घूमने के लिए। आज भी सर्दी है, हम जाएंगे कि नहीं, कल तो गए थे। और चाय हमारी बनती है रात के टाइम, चाय पीते हैं रात वाले टाइम, तो मैं रोटी उसे पकाती हूँ। और अभी तो तवा है, तवा वो गर्म हो गया, इसको लगाऊँ थोड़ा गर्म, फिर रोटी लगाऊँगी। आज जला दिए, आज तेज दिए, चलो चलो। फ्रेंड ये हमारा मौलवी कजन छोटा सा, और ये अभी आ रही है इसकी बहन, ये भाई ये से लड़ती है, लड़ती है से ना बाऊ, ना बाऊ तू थी, बाऊ तू थी भाई, भरी गई बाऊ, बहुत ही चढ़ गई क्रोध खत्म डरी। फ्रेंड्स ये बोलने तो बोल बाहु देना ही
फ्रेंड्स ये देखे ये भाई बहन कैसे बैठे हुए हैं, ये वीडियो देखो कैसे बना। चूल्हा हिट कर फ्रेंड्स मैंने रोटी पका ली है और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो मैंने सिस्टर से आग जलवाई है और अभी मैं हाथ मुँह धो के आई हूँ ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। नमाज भी पढ़ ली है सर वाली, और ये लोशन अभी मैं लगाऊंगी, ये लोशन मैं यही लगाती हूँ हाथ मुँह धोने के बाद, लगाना चाहिए बंदे की स्किन जो है अच्छी रहती है, मतलब कि अच्छी रहे ना रहे मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई, तो इस वजह से मैं ये लगाती हूँ। अगर ये ना लगाऊँ तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं तो लगाती हूँ। ये मैंने आग जलवा ली है सिस्टर से, धुआं देखो कितना निकला है, अभी जलेगी बस, जलने वाले भी है मच जाएगी, तो मैं अभी बस हाथ सेकूंगी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फ्रेंड्स इतनी ठंड पड़ रही है तो हम पानी भी दिन को जो है धूप में रखते हैं, निकली तो नहीं थी फिर भी अभी तक ठंडा है, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे हैं पानी गर्म करके पियो, ठंडा नहीं पीना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखें ये गंदम में, इसमें देखें ये कितनी मिट्टी है, और जो साफ़ करता है बंदा उसको पता चलता है, वो खाला साफ कर रही है उसको पता लग रहा होगा, और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है, ये हम साफ़ करके चक्की पे बैठते हैं, फिर ये आटा पीस के आता है। आपके वहाँ क्या सिस्टम है, आप लोग साफ़ करते हो या फिर ऐसे ही खा लेते हो, ऐसे ही चक्की पे भेज देते हो आटा बन के आ जाता है। फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, मैं आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।